एके मिश्रा हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि राजनीतिक विशेषक हैं। अपनी बेबाक राय के लिए तमाम न्यूज चैनल्स पर आप देखते हैं, उनको सुनते हैं और अपनी बेबाक राय के लिए वो जाने जाते हैं। मिश्रा जी, राजनीति के पंडित भी हैं और बड़े ज्ञात आदमी हैं। प्रभु जरा बताइए, उत्तर प्रदेश की आवाम को क्या वाकई मैंने नाराज हो गए? सारे शाही साहब भी नाराज हो गए, दीपक जी भी नाराज हो गए। मैंने तो इतना ही पूछा कि लखनऊ का रास्ता कैराना से होकर गुजरेगा और चुनाव आया तो कैराना याद आ गया। अब बताइए पंडित जी, ये नाराज हो गए मुझसे? चावला जी, आपकी बात सही है, थोड़ा सा मुझे टाइम ज्यादा दीजिएगा। आपने सवाल किस एंगल से पूछा कि वाकई में मेरे पहले जितने लोगों ने बोला वो नाराज हो गए, क्योंकि ये इस मुद्दे को भी कुछ सार्वभौमिक तरीके से नहीं रख पा रहे हैं अपनी पार्टी के। मैं शुरुआत करता हूँ जब आदम जात की उत्पत्ति हुई आदमी की। आप जरा मुझे ये बताइए कि सबसे प्रमुख मुद्दा जन्म लेने के बाद हर जीव का क्या होता है? सुरक्षा होता है। कैराना का मुद्दा जो है वो आपका सुरक्षा और पलायन से जुड़ा हुआ है। तो मैं ये बोलूंगा कि जब आदमी पैदा हुआ तो पहले जंगलों में रहता था, वो गुफा में गया तो सुरक्षा के लिए गया। सारे देश, आप अमेरिका देखिए, 9/11 हुआ सुरक्षा के कारण, अमेरिका ने कितने सारे अटैक किए, चाइना वगैरह सब। सुरक्षा का मुद्दा एक सबसे ऐतिहासिक मुद्दा है जो आज तक मुद्दा बना हुआ है मानव इतिहास में, मानव के डेवलपमेंट की हिस्ट्री में। तो आज अगर कैराना में या किसी और जगह पे सुरक्षा का मुद्दा सरकार बना रही है, चाहे वो योगी हो, चाहे सपा के हो, बसपा के हो, कांग्रेस के हो, पार्टी को छोड़ दीजिए, वो बुरा नहीं है। मैंने आपको बोला मानव इतिहास की उत्पत्ति के बाद सबसे बड़ा मुद्दा मानव के लिए जो रहा है या जीव मात्र के लिए रहता है वो होता है सुरक्षा। अगर सुरक्षित नहीं है हम, तो आपका समाज, आपका देश जो है, सारा विकास वगैरह सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। मिसाइल, सैटेलाइट वगैरह सब जो बन रही है सुरक्षा, यानी सुरक्षा का मुद्दा हमारे लिए नहीं, दुनिया में हर प्राणी के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बीजेपी के प्रवक्ता और RSS के प्रवक्ता नहीं बता पा रहे हैं, देखिए इंपॉर्टेंट क्या चीज है। आप सनातन के इतिहास को देखिए, कैराना में पलायन, मैं तो बोलूंगा ये ऐतिहासिक घटना है कि कैराना में एक नेता ने पलायन को रोका और वो उस पर बात कर रहा है वहां जाके। पाकिस्तान से पलायन सनातनियों का हुआ, हिंदुओं का हुआ, बांग्लादेश से हुआ, ये भी एक ऐतिहासिक मुद्दा है। कम से कम हजारों साल में पहली बार ये खबर आ रही है कि हिंदुओं का पलायन रुका है। ये चाहे समाजवादी पार्टी करे, चाहे योगी आदित्यनाथ करे, चाहे कांग्रेस करे, जो भी करेगा मैं उसका स्वागत करूंगा। दसियों हजार साल के इतिहास में अफगानिस्तान से हमारा पलायन होता रहा, भारत भूमि पे रहने वाले लोगों का पलायन। आप चाहे कह रहे हैं चुनाव तो पलायन का मुद्दा बनना चाहिए, कैराना मुद्दा बनेगा चुनाव में, आपको ऐसा लग रहा है? बुराई नहीं, मैं आपको बताता हूँ ऐसा नहीं है कि यूपी इतना डाइवर्सिफाइड है कि केवल कैराना एक मुद्दा रहेगा, बहुत सारे मुद्दे हैं। क्यों चुनाव, सारे लोग, मैं आपको देखा चुनाव शमशान कब्रिस्तान पर भी हुआ उत्तर प्रदेश में। अरे चावला सर, मैं आपको बताता हूँ, इसके पहले जो चुनाव हुए हैं 5,000 साल पहले के भी मुद्दे बने हैं। कांशीराम कौन सा मुद्दा बनाते थे, कांग्रेस कौन सा मुद्दा बनाती थी? तो चुनाव में तो 5,000-10,000 साल पहले का मुद्दा बनता है। एके मिश्रा जी, मुझे एक बात बताइए, ये कैराना क्या वाकई में किसान आंदोलन की काट साबित हो सकता है? बहुत जिम्मेदारी से मैं सवाल पूछ रहा हूं मिश्रा जी, इसके पीछे का लॉजिक दूंगा भी मैं। मिश्रा जी देखिए, मैं आपको बताऊं, किसान आंदोलन की जो आप काट बोल रहे हैं, ठीक है लिटिल बिट डैमेज वगैरह हो सकता है, उसके प्रभाव वगैरह सारी चीजें होती हैं, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि किसान आंदोलन को देख करके कैराना का मुद्दा उठा है। कैराना का तो मुद्दा इस पे तो हम आपके साथ ही पिछले सालों में भी कई बार डिबेट कर चुके हैं, तो ये ऐसा नहीं है। कैराना का जो मुद्दा उठा है वो इसलिए उठा है कि वहां पे सारी चीजें सही हो गई। हजारों साल में पहली बार ऐसा हुआ कि एक ऐसा शासन प्रशासक आया जिसने सनातनियों के प्रवास को, प्रवास नहीं, पलायन को रोक दिया। अफगानिस्तान से लेकर के मैं पूरे भारतवर्ष की बात कर रहा हूं और कम से कम 10,000 साल के इतिहास की बात कर रहा हूं जिसमें पहली बार यह हुआ कि पलायन को रोकने का प्रयास राजतंत्र के द्वारा, एक नेता के द्वारा किया गया हो। मैं फिर बोलता हूं,
किसान का मुद्दा अलग है, उसका असर कुछ और पड़ेगा, उसका डैमेज कंट्रोल बीजेपी कैसे करेगी या दूसरे पक्ष के लोग, दूसरी पार्टियां कैसे उसको इनकैश करेंगी, वो अलग चीज है। कैराना का मुद्दा तो दसियों हजार साल पुराना सनातन की समस्या है, पलायन, अफगानिस्तान से पलायन, कश्मीर से, अभी देखिए कश्मीर से पलायन जाके अब रुका है, 70 सालों से कश्मीर में पलायन चलता रहा। मिश्रा जी, कश्मीर से फिर पलायन हो रहा है, वहां से मजदूरों को भगाया जा रहा है। पहले भी जनता पार्टी की सरकार में जब आपके ही लोग सरकार में थे तब भी भगाया गया, और आज भी आपकी सरकार है, आप जिस नाम का वोट मांगते हो आज वही आपकी सरकार में होता है। कश्मीर में पलायन अभी भी करवाती थी, आपने कहा पलायन करवाती थी, वहां की चुनी हुई सरकारें करवाती थी, अभी पलायन को रोकने का प्रयास हो रहा है। अभी अभी एके मिश्रा जी बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, अभी एके मिश्रा जी बहुत अच्छी बात कर रहे थे, आप पलायन पलायन हिंदुत्व क्यों करता है? अच्छा, सूट कर गई मिश्रा जी की बात, सूट कर गई। तिलक जी, मैं इनकी बात का जवाब देता हूँ। एक और महत्वपूर्ण विषय पर, एके मिश्रा क्या वाकई में, मैं आप जी प्लीज जल्दी से बात कंप्लीट करिए। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो पार्टियां ये बोलती हैं कि हिंदुत्व का नाम लेके या सनातन का नाम लेकर के इसको कम्युनल रूप में दिया जाता है, मैं बोलता हूँ सपा से, बसपा से, बीजेपी से, सब लोग बोल दीजिए भाई हमें हिंदुओं से मतलब नहीं है, हम हिंदू का वोट नहीं लेंगे, या बोल दीजिए जो हिंदू है उनके वोटिंग राइट ही खत्म हो गए। 80% जहां की पॉपुलेशन हिंदू हो, आप उसको राजनीति से अलग कैसे कर सकते हैं, चुनाव से अलग कैसे कर सकते हैं? उनकी बात आप चुनाव में, राजनीति में, अर्थतंत्र में, हर एक दिन आप उनको कैसे हटा सकते हैं बातों से, आप मुझे बताइए। तो रही बात हिंदुत्व की, योजना बात धर्म के आधार पर चल रही है मिश्रा जी, योजना धर्म के आधार पर नहीं, नहीं है ना, धर्म कोई बुरी चीज है और वो भी सनातन धर्म कोई बुरी चीज है? धर्म के आधार पर बोल दीजिए, चलाएंगे आप मुझे नहीं, ये बता रहे हैं चावला जी, आप मुझे बता दीजिए सनातन धर्म हिंदू धर्म कोई बुरी चीज के आधार पर योजना चलाएंगे, मुझे बताइए। भारत अपनी पराकाष्ठा पे ही तभी था जब धर्म के आधार पे होता था, मतलब धर्म के आधार पे, आपको मक्का नहीं, धर्म के आधार पे मक्का मदीना जाने के लिए आपको सब्सिडी दे दी जाएगी, हज हाउस बनाने के लिए धर्म के आधार पे सब्सिडी दी जाएगी, धर्म के आधार पे 500 काम किए जाएंगे, और अगर हिंदू धर्म के नाम पे किसी गरीब को अनाज दे दिया जाता है कुछ तो वो बुरा है क्या? फायदा तो होना चाहिए चाहे धर्म के नाम पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये